बगहा में वाहन जांच के दौरान पुलिस पब्लिक में झड़प हो गई। गलत तरीके से वाहन चला रहे शख्स को रोकने पर पुलिस के साथ हाथापाई और बदसलूकी के मामले में मुखिया पति और मुखिया पुत्र को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं नयागांव रामपुर पंचायत की मुखिया आशा देवी ने झड़प के दौरान पुलिस पर पिटाई करने के साथ मंगलसूत्र व अन्य जेवरात छीनने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर जिले भर में गहन वाहन चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश मिला था। पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी, इस दौरान गलत तरीके से वाहन चला रहे शख्स को रोका गया। उसने पुलिस के साथ हाथापाई और बदसलूकी की, लिहाजा दोनों को पुलिस हिरासत में रखा गया है। सर हम नदी उस पार थे, न मछली मार रहे थे नदी में, देखिए सर हम कैसे हैं। वहाँ पे हल्ला सुनाई दिया, एक दो बच्चे का गाड़ी उड़ी लेकर जा रहे थे। तो सर ये लौकरिया थाना और ये पटखौली थाना है, हमारा लौकरिया थाना के रेंज में पटखौली थाना आकर चेक करता है और यहाँ पे सब बच्चे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, पैसा वैसा सब मांगते हैं, नहीं देने पर मारते पीटते भी हैं। और हमारा यहाँ का बगल में है मुखिया जी का घर, यही बात जानने के लिए कोई बच्चा आकर बता दिया सर यहाँ पे कोई बच्चे को मार रहे हैं और मुखिया जी गए। मामला ये रहा पटखौली थाना का, जमीन गाड़ी चेक करा जाए, हमारा लड़का गई लैन, छोटा लड़का जाके गई लैन तो का रोक के मार दल सब कहनी मीना कहनी चलान कटल काट दे रह जा ना मरल रह जा, तो हमारा लड़का के मार के विपद कह के थाना में दे दल हन पटखौली थाना के दरोगा। आज वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश में सभी थानों में सभी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश मिला है कि वाहन जांच करेंगे विधि व्यवस्था से संबंध और अपराधियों पर कंट्रोल के लिए। इसी क्रम में पटखौली थाना अंतर्गत भी वाहन जांच के क्रम में गलत तरीके से बाइक चलाते हुए और रोकने पे पुलिस के साथ हाथापाई करने के संबंध में दो व्यक्तियों को रोका गया था। उसके उपरांत कुछ उसके परिवारजन भी आके पुलिस के साथ उन्होंने भी विवाद किया और जिस संबंध में प्राथमिकी दर्ज